गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मेरी पता वो क्या कहते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप की क्लास लगेगी, तो मैं उसके लिए कॉलेज जा रहा हूँ। और मेरी मैकेनिकल वर्कशॉप की ही क्लास लगेगी आज, क्योंकि उसके बाद में मैथ की क्लास है जिनमें सर नहीं आएंगे, क्योंकि सर की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है। तो बस ये एक क्लास लगेगी। पर यार ये एक क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हमको वेल्डिंग करना सिखाएंगे। हाँ, वो मतलब कि मेटल दो लोहे की चीज़ को जोड़ते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करके कुछ, जिसके अंदर से चिंगारी निकलती है, तो वो सिखाएंगे। यार मुझे मैकेनिकल की वर्कशॉप हमेशा इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलता है हर बार, और बाकी क्लास में इतना कुछ ज़्यादा नया सीखने को नहीं मिलता। तो आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं इंजॉयमेंट से भरी भी होने वाली है, क्योंकि और पिछली क्लास में तो मैंने ये सीखा था कि हम कैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का वो मोड तैयार कर सकते हैं, उसका पैटर्न तैयार कर सकते हैं। पर आज नया सीखेंगे और बस मज़ा आने वाला, और कुछ नहीं। और इसके साथ आज ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत कम रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी बहुत कम है, आज रात को लाइट ही नहीं आई थी, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर अगर मुझे कहीं पर भी चार्जर मिल जाए और लाइट हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 10-15 मिनट में फ़ोन वैसे भी कंप्लीट चार्ज हो ही जाता है, तो मुझे बस 10-15 मिनट चाहिए। पर अब पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। खैर, ये 10-15 मिनट वाली बात को एक बार साइड में रखें। हमारा वर्कशॉप आ गया। मोबाइल तो मैं, जब तक मोबाइल में जान है तब तक तो हम इसका यूज ले ही सकते हैं, उसके बाद की बाद में देखेंगे। और अभी वर्कशॉप में कोई नहीं आया होगा, क्योंकि मैं 10 मिनट जल्दी हूँ, 10 मिनट जल्दी, तो 10 मिनट पहले कोई नहीं आता, एक जगह टाइम पे ही आते हैं ज़्यादातर लोग। क्या बच्चे यार, हम तो बच्चे हैं अभी। ये फाउंड्री वाली जहाँ पे हमने ढांचा बनाया था किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, और वो रही लेथ मशीन जिसके अंदर सर भी है। चलो अंदर चलते हैं। ये है हमारी लेथ मशीन। इस लेथ पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, और इन लेथ पे मेरी पहला वर्कशॉप बनाया था मैंने, वो वाइल्ड स्टील का बनाया था ना वो वाला, और वो सामने हीट इंजन वाला कुछ इंजन रिलेटेड है जहाँ पे मैं बाद में जाऊँगा। और ये इस साइड वेल्डिंग मशीन की है जहाँ पे हमारे आज पढ़ाया जाएगा। यार मुझे डर लग रहा है कहीं सर ने देख लिया तभी वो बिना फालतू डांटेंगे। सॉरी गाइस, आज हमारे प्लानिंग में थोड़ा बहुत वो क्या कहते चेंज हो गया। हमें वेल्डिंग मशीन ना करवा के फिर से लेथ मशीन का ही बताया गया। हमें आज आरपीएम रिलेटेड कुछ बताया था कि हाँ लेथ मशीन का आरपीएम कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं लेथ मशीन में वो होते हैं ना तित, वो गिन रहा हूँ कि हाँ लेथ मशीन में कितने तित होते हैं, वो गिन के उनकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये मतलब आसान सा काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको गिनती सही तरीके से आती हो तो। और अब मेरी आज की वर्कशॉप तो कंप्लीट हो गई है, और अब मैं फ्री हूँ। अब मैं अपनी पास ही की वर्कशॉप में जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, पुराने हर गाड़ी का इंजन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और ये देखो, ये एम्बेसडर कार, क्या मिला? इसी कारण मुझे मैकेनिकल की वर्कशॉप सबसे अच्छी लगती है, यहाँ पे हम कुछ भी देख कर सकते हैं, कोई हमको कुछ कहने वाला नहीं है, फ्रीडम है यहाँ पे। ये देखो ये इंजन कैसे काम करता है, उसका कुछ मॉडल है। वो तो ये देखो, यहाँ पे कुछ इन्होंने, हमारे सीनियर्स है ना, इन्होंने कुछ गाड़ी टाइप कुछ बनाया है। ये क्या है इधर? कूलिंग रूम है। ओ भाई, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कूलिंग रूम है, अंदर घुस जाओ। ठंडी ठंडी भाई, कुछ नहीं अभी ऑन नहीं है ना। अरे आ देख, कंडेंसर यार अभी ऑन नहीं है। गाइस ये देखो, मेरी भविष्यवाणी गलत हुई, मतलब कि मुझे लगा आज मैथ वाले सर नहीं आएंगे, पर आज मैथ वाले सर आए। वो
और आज मैथ वाले सर ने हमारे डिजिटल बोर्ड पे क्लास ली है, तो मतलब मुझे क्लास के बीच में फोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मतलब ज़्यादातर टाइम मैं फ़ोटो लेता हूँ, सर कुछ भी करवाते हैं तो मैं उस चीज़ की फ़ोटो लेकर अपने पास सेव कर लेता हूँ। और आज क्लास ख़त्म हो गई और अब क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आसानी से फिर से हम ले सकते हैं फ़ोटो, क्योंकि ये तो स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ पर सब कुछ सेव रहता है। तो चलो मेरे आज की कॉलेज क्लासेस तो इसी के साथ ख़त्म होती है। यार आखिरकार कॉलेज से सर खफाने के बाद हॉस्टल